इफ्तारी के लिए बैठ चुके हैं। तो और रश मिलेगा टेबल फाइव, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है कहीं भी। तो फ्रेंड्स राइट नाउ आई एम हियर बस स्टॉप, तो बस स्टॉप से हम यहाँ से लेंगे 76B बस, तो वी हैव टू वेट फॉर दैट बस, सो लेट्स वेट हियर। सो राइट नाउ आई एम इन साइड ऑफ बस एंड अभी यहाँ से हमें तकरीबन एक घंटा लगेगा आई एस ओ पे पहुँचने के लिए। तो आई एस ओ पे पहुँचने के बाद मैं आपको वहाँ का व्यू दिखाऊँगा। सो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुँच चुके हैं वाती, अब यहाँ से जो हमें 1 किलोमीटर ऊपर जाना होगा सोफे के लिए। रास्ते में मस्ती करते हुए जाएंगे और रास्ते का व्यू दिखाएंगे आपको और काफ़ी मज़ा आएगा, तो चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे कि रमज़ान में सुलेमान स्ट्रीट मतलब फातिह स्ट्रीट का क्या व्यू है, कि लोग तुर्किश लोग क्या कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप देखिए अब विजिटर्स भी बहुत कम आते हैं, अब तो तुर्किश लोग ज़्यादा दिख रहे हैं, वरना अगर आप यहाँ पहले आओगे ना समर के टाइम पे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको फॉरेनर देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी तुर्किश लोग दिख रहे हैं और आप भी देख सकते हैं यहाँ पर। और देखिए बहुत कम क्राउड है और नॉर्मली क्या होता है ये ना रोड बंद रहती है, वो फॉरनर वगैरह यहाँ पे आराम से वॉक कर सके चल सके। कभी ये रोड खुली है आप देख सकते हो, टैक्सी गाड़ी आराम से आ जा रही है, तो इससे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे अब कितना कम रश हो गया है। लेकिन आया सोफिया ब्लू मॉस के पास चलेंगे ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश भी होगा, बहुत ज़्यादा फॉरनर भी देखने को मिलेंगे हमें, तो ये चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये है यहाँ की चाय, इस्तांबुल में चाय मिलती है, ये सारी चाय हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट का क्या व्यू है अभी बाहर का, ब्लू मॉस के आया सोफिया के पास कहीं ये मार्केट है, तो आप यहाँ का व्यू देख सकते हो। ये देखिए 250 का। सो फ्रेंड्स लोग यहाँ पे पार्कों में ना मतलब घासों में इफ्तारी के लिए बैठ चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, वो बैठे हैं। तो अभी और नीचे चलते हैं, मैं आपको और दिखाता हूँ नीचे, और नीचे तो और रश मिलेगा हमें देखने को, तो नीचे चलते हैं। हम नीचे चल कोशिश करेंगे कहीं हमें ऐसा ब्लू मॉस या आया सोफिया के सामने का व्यू मिल जाए देखने को, तो ऐसी जगह पर हम बैठने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं नीचे। और फाइनली वैसे मैं पहुँच चुका हूँ ब्लू मॉस के पास और यहाँ पर आप क्राउड देख सकते हो, जैसे मैंने बोला था कि ब्लू मॉस और आया सोफिया के पास जैसे हम पहुँचेंगे वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा क्राउड है। इतनी ज़्यादा भीड़ होगी वो भी इतने ज़्यादा मतलब कि जगह भी नहीं मिलेगी हमें जल्दी कहीं बैठने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का क्राउड एरिया, ये देखिए बीच में फाउंटेन के पास भी लोग बैठ गए, चेयर पे भी बैठ गए,
बेंच पे ही बैठ गए लोग, और जहाँ पे जहाँ जहाँ छोटी छोटी जगह है वहाँ भी बैठे हैं। ये आया सोफिया है, और ये वो सर ये ब्लू मॉस है, और ये आया सोफिया है। और क्राउड देखिए आप यहाँ पे, तो फ्रेंड्स आप यहां देख सकते हो कि मतलब बिल्कुल भी स्पेस नहीं है कहीं भी, सब लोग हर जगह पर लोग बैठे हैं। ये देखिए इस साइड देखें, इस साइड देखें। तो फ्रेंड्स हम यहां बैठ तो चुके हैं, अब हमें बस थोड़ा वेट करना है अजान होने का। अजान होते हम खाएंगे, तो थोड़ा वेट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। फाइनली मैं अंदर तो आ गया हूँ आया सोफिया के, लेकिन मैंने मगरिब की नमाज़ ना बाहर ही पढ़ी थी आया सोफिया के, क्योंकि इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा क्राउड था ना, अंदर आ नहीं पाया था उस टाइम। लेकिन नमाज़ जैसी मैंने पढ़ी तो लोग भी हटने लगे, और फिर काफ़ी लोग बैठे भी थे, तो बाहर ही नमाज़ पढ़ के हम लोग बाद में अंदर आए हैं मतलब। और अभी यहाँ पर जो ना क्राउड बढ़ता जा रहा है, लोग आ रहे हैं अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ से हम जाएंगे घर के लिए निकलेंगे। तो आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ आया सोफिया का, नाइट का व्यू काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है। नाइट में मैं आया हूँ आया सोफिया में, तो ये देखिए यहाँ पे आया सोफिया का नाइट का व्यू, और क्राउड देखिए यहाँ पे भी अंदर। सो फ्रेंड नमाज के बाद मैं बाहर आ चुका हूँ, और अभी यहाँ पे बाहर भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, अंदर भी क्राउड था। और अभी मैंने पता है यहाँ से बाहर चलते हैं आया सोफिया मस्जिद से, ये वजू खाना है। सो फ्रेंड्स फाइनली मैं आया सोफिया से बाहर आ चुका हूँ, नमाज़ पढ़ ली है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, काफ़ी सारे लोग हैं। अंदर तो आप लोगों ने देखा कितनी ज़्यादा मतलब भीड़ थी, और नमाज़ पढ़ रहे थे सब। और अभी मैं बाहर आ गया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से वैसे। तो फ्रेंड्स ये देखिए फाउंटेन पीछे कैसे कलरिंग मतलब चेंजिंग हो रही है, आया सुबह वाले सामने बंद हो गया अभी तो। ये देखिए फाउंटेन का व्यू मेरे पीछे, और यहाँ पे आया सोफिया, ये देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है, कितना मज़ा आ रहा है। सो फ्रेंड्स इस व्लॉग में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ दिखाई, जैसे मैंने आया सोफिया के बाहर इफ्तार किया, आया सोफिया के अंदर जाके आपको दिखाया, और कुछ बाहर की मार्केट वगैरह दिखाई। तो इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग देन सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कॉमेंट, एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट व्लॉग। जब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले बाय।